Hello everyone, today's topic is present perfect tense. So present perfect tense किस तरह का वाक्य होता है, किस तरह के वाक्य tense में आते हैं. Present perfect tense हमें बताता है कि जो कार्य जो है वर्तमान समय में पूरा किया जा चुका है, यानी जो कार्य वर्तमान समय में इन द प्रेजेंट टाइम जो वर्क कम्प्लीट हो चुका है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब इसको हिंदी वाक्य में इस तरीके से पहचान सकते हैं कि इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये शब्द इसके वाक्य के अंत में आते हैं. जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, लास्ट में क्या आया है, चुका है, यानी जो वाक्य खत्म होगा वो चुका है भी हो सकता है, चुकी है, चुके हैं. जैसे वह स्कूल जा चुका है, तो इससे हमें पता चलता है कि वह स्कूल जा चुका है, यानी स्कूल जाने का कार्य पूर्णता हो चुका है, यानी स्कूल पहुंच चुका है. अब बात करते हैं इसकी ट्रांसलेट करने की, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, रूल्स है इसके. जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज और हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. परफेक्ट के जो भी टेंस होंगे ना, परफेक्ट के अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट के जो भी टेंस रहेंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं. यू कैन सी हियर, ओके. सो अब यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव, सो वेरी सिंपल. सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो हैज यूज करेंगे, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लुरल सो हम वहां पर हैव यूज करेंगे. तो यहाँ पर दो आप ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं, ही और आई, एक मैंने सिंगुलर का एग्जांपल दिया है और एक प्लुरल का. ही जो है सिंगुलर है, सो इसके अकॉर्डिंग हमने हैज यहाँ पर यूज किया है, एंड आई जो है प्लुरल सब्जेक्ट है, सो हमने यूज किया यहाँ पर हैव. और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, देन आपका ऑब्जेक्ट. सो ही हैज प्लेड द क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेल चुका है. I have played the cricket, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ. वो सेंटेंस जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पर has, have का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग दोनों कैटेगरी के सब्जेक्ट ले लिए हैं, सिंगुलर भी और प्लुरल भी. एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. इफ योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज इन द नेगेटिव फॉर्म, सो उसका रूल क्या रहेगा, सो वहां पर यही देखना है कि नॉट नेगेटिव है तो बस नॉट आ जाता है सेंटेंस में, हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट, तो वहां पर क्या करना है, हमने नॉट ऐड कर देना है जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. एंड हेल्पिंग वर्ब इज हैज एंड हैव, सो हैव और हैज के बाद हम यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे, एंड बाकी जो बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा. सो एग्जांपल, ही हैज नॉट प्लेड द क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड द क्रिकेट. सो हैव और हैज की जस्ट बात क्या लगाना है, नॉट. नेक्स्ट है आपका, अगर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव दो तरह के हैं. फर्स्ट टाइप में बात करते हैं, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, सो हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करेंगे, देन हमने यूज करना है सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. सो एग्जाम्पल इज हैज शी कुक्ड द फूड, हैव आई ईटन द फूड. तो हैज हैव हमने शुरू में लगाया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, और बाद में आपका हो गया ऑब्जेक्ट एंड लास्ट इज क्वेश्चन मार्क. और आगे हम बात करेंगे कि अगर यही सेंटेंस, बात आती है कि यही सेंटेंस अगर आपके नेगेटिव में है तो क्या करना है. सो नेगेटिव के लिए नॉट ऐड करना होता है, जिसमें भी पता होना चाहिए कि नॉट हमने लगाना कहां पर है. सो इफ नेगेटिव इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस एड नॉट जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है आपका उसके जस्ट बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे. हैज शी, वैसे अगर ये सिंपल होता तो हैज शी कुक द फूड, अगर सिंपल इंटरोगेटिव होता, और ये नेगेटिव हो गया तो हैज शी नॉट कुक द फूड, हैव आई नॉट इटन द फूड. अब आता है आपका सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव. सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव बहुत ही सिंपल है, जो स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का था ना, देख रहे थे आप, आपने देखा था ना, हैज हैव देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन क्वेश्चन मार्क, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस स्टार्टिंग में हमको यूज करना है क्वेश्चन वर्ड. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जो भी डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं, वाई, हु, वेयर, हुम, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो हमने स्टार्टिंग में यूज करने, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा बिल्कुल जो भी आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में था. सो एग्जाम्पल इज Why has she written a letter? Why have you read the story? Third form देख रहे हैं आप, question word है, then has, have है, according to the subject, then आपका verb की third form है and object. और अगर यही sentence आपका negative होता है तो क्या करना है, अगर यही sentence negative है, so
नॉट ऐड कर देना है जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, जैसे हमने फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं. व्हाई हैव शी नॉट रिटन द लेटर, व्हाई हैव यू नॉट रीड द स्टोरी, ऐड नॉट फॉर नेगेटिव जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने नॉट ऐड करना है. जैसे कि फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम सेम, बोथ में जो है सेम ही रहना है और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है दोनों का, बस नॉट का ही डिफरेंट है कि नॉट कहां पर ऐड करना है, आफ्टर सब्जेक्ट. थैंक यू.